और वहीं खबर इंदौर से, जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया था कि उनके पास हनी ट्रैप की सीडी है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इंदौर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि उमंग सिंघार तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उनका इतिहास सभी जानते हैं और उन्हें बचाने के लिए कमलनाथ ने हनी ट्रैप को लेकर बयान भी दिया है। वह घोर अपराध है। कमलनाथ ने संविधान की शपथ और गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन किया है। वीडी शर्मा ने कहा कि उमंग सिंघार को बचाने के लिए कमलनाथ दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, जबकि पुलिस अपना काम कर रही है। इधर इस मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और बीजेपी के संगठन अध्यक्ष पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि कमलनाथ कभी भी किसी भी गलत काम में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ना ही किसी का पक्ष लेते हैं। उन्होंने कहा कि आप न्यायिक जांच करवाओ जिससे राजनीतिक दुर्भावना दिखे। कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश को अच्छा लगता आप थोड़ा सा सत्य बोल करके आप सिस्टम में कमियों को जरूर कहते कि सिस्टम में ये कमी है, इसको ठीक होनी चाहिए। हमने अपील की, माननीय मुख्यमंत्री ने आपसे बात की, कैसे कांग्रेस के अध्यक्ष और रहने नेता प्रतिपक्ष आपके क्या हो सकते हैं, लेकिन आप मध्य प्रदेश के अंदर भय का वातावरण बना करके झूठ बोल करके जिस प्रकार से आपने जो आज इस देश को और मध्य प्रदेश को बदनाम करने का प्रयास किया है, यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। मैं मीडिया के मित्रों से आपके माध्यम से एक बात और पूछना चाहता हूं। उमंग सिंघार उनके कैबिनेट के मंत्री थे, कैबिनेट के अंदर उनके मंत्री, उनकी मित्र जो भी नहीं होगी, मैं किसी की पर्सनली लाइफ के अंदर हम जाना नहीं चाहते, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि एक महिला जब वो आत्महत्या कर देती है, उमंग सिंघार जी को इंदौर के पत्रकार मित्र बहुत गहराई से जानते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ये सब आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप नहीं छापा है, मैं आज देखा था उनका इतिहास आप जानते हैं, कांग्रेस का चरित्र आप जानते हैं, लेकिन कमलनाथ जी आपने जो कल घोर अपराध किया है, अपने कैबिनेट के मित्र और आपके कांग्रेस के सहयोगी को बचाने के लिए आपने जिस प्रकार से एक संवैधानिक पद पर रह करके जो कल आपने कहा है, कमलनाथ जी ने इस बात का जो उल्लेख किया कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करे, कमलनाथ जी कभी भी किसी भी गलत काम में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, न उसकी का पक्ष लेते हैं। उन्होंने कहा कि आप एक जुडिशरी जांच करवाओ, ऐसी जांच करवाओ जिससे राजनीतिक दुर्भावना नहीं दिखे। ऐसा लगता है कि पूरे प्रकरण के पीछे राजनीतिक स्वार्थ है कि आप राजनीतिक दुर्भावना से इस तरह के प्रकरणों को डील मत करो, न्याय और संविधान के अनुसार करो। क्या गलत बोला कमलनाथ? मैं नहीं समझ पाता हूं कि ऐसी परिस्थिति में इस तरह की बात करना, इस तरह के भाव बनाना आपका दायित्व है। लोग मर रहे हैं, 1,00,000 रुपये देंगे, आंकड़े 10% भी नहीं बताएंगे और 1,00,000 रुपये देंगे। मुख्यमंत्री को तो सद्बुद्धि दिलवाओ, केवल भाषण, अलग अलग तरह के बयानबाजी और लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश, यही भारतीय जनता पार्टी की इसी नीति ने इतने लोगों की मौत के गाल में उतारा। ऐसा है कि उन्होंने ये कमलनाथ जी ने क्या कहा, कमलनाथ जी ने कहा कि उमंग सिंघार को ऐसे मामले में उसका व्यक्तिगत सोर्स, व्यक्तिगत मामला है, इसलिए न्याय के अनुसार काम करें, राजनीतिक